हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम एंड इवांशी। तो आज है शादी का सेकेंड डे, तो आज हमारे यहाँ पे होने वाली है बहुत सारी पूजा, क्योंकि आज दिन भर मतलब सुबह से लेकर शाम तक के बस एक दिन पूजा के लिए जाता है। तो इसकी शुरुआत हो गई थी, तो मैं आपको यह बता दूँ कि ये बहुत MP में काफ़ी रीति रिवाज होते हैं, तो बस यही रीति रिवाज हो रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ पर डलने वाला है मंडप, मतलब मंडप वो मंडप नहीं जो आप सोच रहे हो, जो शादी का मंडप होता है, ये डलने वाला है कुछ लकड़ियों के साथ में। ग्रीन पत्तियां होती है, हरी पत्तियां होती है, उनके साथ में ये मंडप डलता है। तो ये हमारे घर के दामाद लोग करते हैं, मतलब जो भी घर के दामाद होते हैं, बेटी के हस्बैंड होते हैं, तो वो करते हैं। और ढोल नगाड़ों के साथ होता है ये, तो आप आगे तो देख ही लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रीति रिवाज क्या होते हैं। तो बस ये लकड़ियाँ लेके मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे दामाद मतलब छोटी बहन के हस्बैंड खड़े थे, और यहाँ मम्मी से मजाक चालू था क्योंकि यहाँ पर कुछ नेंग देना पड़ता है, तो मम्मी दे रही है कुछ नेंग। तो आप आगे वीडियो इंजॉय करिए, मैं आगे बताती हूँ आपको। फोटो ले रहा है, फोटो ले रहा है, मेरे भी ले। तो यहाँ पे सभी जेंट्स आ गए थे, और सभी मतलब लकड़ियाँ मतलब ऐसी 7 लकड़ियाँ रहती शायद, मतलब मुझे ध्यान नहीं, 5 या 7 रहती हैं लकड़ियाँ। तो ये सभी लेके यहाँ पे खड़े थे लकड़ियाँ, क्योंकि जब तक के ये लकड़ियाँ नहीं, मतलब जो मेरे हस्बैंड और दामाद लेके खड़े थे, तो जब तक वो नहीं आएगी, मतलब वो मेन है जिसको जिसकी पूजा करके ही आगे की प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो बस गाइस देखिए, ये आ चुकी है लकड़ियाँ, और ये यहाँ रखते हैं और एक एक से सब इनकी पूजा करते हैं, और तभी से मतलब सारे रीति रिवाज शुरू होते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा और हम जितने भी घर की लेडीज़ हैं, जेंट्स होते हैं, तो ये सब इसकी पूजा करते हैं लकड़ी की, मतलब उसको कुछ तो भी कहते हैं, पर मुझे अभी ध्यान में नहीं है कि उसे क्या कहते हैं। तो ये देखिए मम्मी आरती वगैरह लाके और इसकी पूजा शुरू हो गई है। और घर में गाइस शादी बोले तो सारे रीति रिवाज के बिना कोई शादी होती नहीं है, सारे रीति रिवाज के साथ ही अगर शादी करें तो शादी में अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ पापा पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ मम्मी पापा ने पूजा कर ली थी, और इसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब हल्दी घोली हुई थी, थोड़ी सी हल्दी घोली थी हमारे घर पे, और यहाँ पे जितनी भी लकड़ियाँ रहती है उसकी सबकी पूजा करनी होती है। तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, मतलब वो हल्दी के जो रहते हैं वो 5 हाथ सभी लकड़ियों को, जितने जेंट्स ने मतलब 7 लकड़ी पकड़ी थी शायद, तो 7ों लकड़ियों को मतलब हल्दी के हाथ लगाते हैं, और उसके बाद में फिर जितने भी लकड़ियों के मतलब जितनी भी लकड़ी को जेंट्स ने पकड़े हैं उन सभी को भी हल्दी के हाथ लगाते है। तो बस यही पूजा चालू थी, तो बस मैं भी यही पूजा कर रही थी, मतलब मुझे मेरी दादी वगैरह बता रही थी कि क्या क्या करना है, क्योंकि ये तो सब मतलब क्या बोलेंगे अभी आगे जैसे जैसे थोड़ा भूल भी जाते हैं, तो दादी वगैरह सब मुझे बता रही कि कैसे करना है क्या करना है। तो गाइस इसको ऐसा करके मतलब 5 हाथ लकड़ियों को लगा रहे थे। तो आगे देखिए कि मैं सभी आपने देखा कि जैसे कि हल्दी का मतलब वो सिर्फ पूजा की हल्दी होती है, तो इसलिए ज़्यादा हल्दी खेलते नहीं है, तो यहाँ पे कपड़े ना ख़राब हो जाए करके मैंने उनके ऊपर मतलब ऐसा रुमाल या गमछे टाइप के डाल दिए थे, तो कपड़ा डाल दिया था। और यहाँ पे 5 जैसे लकड़ी को मैंने लगाई थी 5 हल्दी का हाथ, वैसे ही सेम यहाँ पर भी 5 हल्दी का हाथ लगाया। और ये चपाती रहती है मतलब रोटियाँ रहती हैं, तो ऐसी 7 जोड़ी बनाई जाती है। तो ये 7ों आप जैसा देख रहे हैं दूर दूर से, ये ऐसा मतलब एक तरीके से पूजा की जाती है, और उसके बाद फिर
लिए रोटी जेंट्स को दी जाती है खाने के लिए, तो मतलब जेंट्स को कोई भी खा सकता है, तो बस यही चल रहा था। और बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत छोटे छोटे जो नियम होते हैं वो करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है घर में, और शादी का प्रोग्राम बोले तो बहुत ज़्यादा मज़ा और धूम मस्ती होती है। हाँ बस डबल डबल कर देते यहाँ पे पूजा हो गई थी ख़त्म। तो मैंने आपको बताया था ना कि ग्रीन पत्तियों से मंडप डलता है, बस इसी के नीचे अब मतलब आज से प्रोग्राम स्टार्ट हो गए हैं, अब इसी के नीचे ही हम सारे रीति रिवाज करेंगे, मतलब जो भी पूजा होगी वो सिर्फ मंडप के नीचे होगी। तो गाइस ये हमारे यहाँ का फर्स्ट मंडप होता है, और जो डेकोरेशन का मंडप होता है वो तो होता ही होता है, पर ये मंडप डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे कल्चर में है, वो ये मंडप तो डालना इंपॉर्टेंट होता है। आप MP में या और भी जगह मुझे नहीं पता, पर गाइस कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ऐसे रीति रिवाज किसके यहाँ होते हैं। तो बस सभी जेंट्स मिलके मंडप डाल दिए थे, और गाइस ये एक सेम नेम होता है, तो ये दोनों बहनें, ये दोनों मेरी बुआ की बेटियाँ हैं, तो यहाँ पे ये मजाक गेम शुरू है, तो बस यही कर रहे थे।
बस वो सब होने के बाद में गाइस हम लोग आ गए थे घर में, और यहाँ पे चल रही थी मतलब घर के कुल देवता की पूजा। तो यहाँ पे सारे जेंट्स मिलके, मतलब मैंने आपको फिर बताया कि आज हमारे यहाँ पे दामाद लोगों की ही पूजा, मतलब दामाद लोग ही पूजा करते हैं, तो मेन दामाद लोगों का ही रहता है। तो यहाँ पे बैठ गए थे सभी जेंट्स और साथ में मेरे हस्बैंड वगैरह। तो यहाँ पे चल रही थी पूरी पूजा की तैयारियाँ, और यही हल्दी जो मतलब यहाँ पे पूजा के लिए हल्दी घर चढ़ाएंगे और तेल चढ़ाएंगे वही मेरे भाई को लगेगी। तो आप आगे वीडियो एंजॉय करिए। और गाइस मेरे पास में मेरे भाई को हल्दी लगने वाला वीडियो नहीं था, तो वो वीडियो मेरे पास में नहीं था, मतलब मैं शूट नहीं कर पाई। तो मैंने कुछ फ़ोटो ऐड करी है लास्ट में, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और ऐसे ही शादी के वीडियो भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए और खूब इंजॉय करिए। सुप्रीत सुप्रीत कौन सा अच्छा कुछ बोल रहे हैं? ये थाली में है ना, वो दिया था ना, वो आपकी थाली का है। बाकी उन्हें ये भाई बोल रहे हैं। हाँ यशवंत जी नाम है, यशवंत जी बड़े कितना बड़ा।